अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली जंजानी। आज का जो दिन है प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का दिन पहला ज़ोडिक सन एरीज बुर्ज हमल। आप लोगों के खान की लिहाज से तो आज का दिन काफ़ी खुशगवार गुजरने वाला है। इवन ऐसे मसाइल या ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि विरासत, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या खानगी तौर के पड़ते हैं, उनका काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छा सोल्यूशंस नसीब होगा। एक्सोटिक्स एंड टॉरस बुर्ज सौर वालों का जो बेसिकली आज का दिन है, थोड़ा से आप लोगों के मुलाजमती मामला तो सेंसिटिव हैं, लेकिन आपके जो कोवर्कर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं या आपके हुकाम हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा राब्ता बनाए हुए नज़र आते हैं। आप उनके साथ मदद ले सकते हैं, उनसे मुशावरत कर सकते हैं, चीज़ें आपको बड़ी अच्छी मिल सकती हैं, उनसे अच्छी एडवाइस मिल सकती है। इसके साथ साथ आज के दिन आपकी माली मुश्किलात में भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा सोलूशन नसीब होगा, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हुए अपने काफ़ी हद तक ज़िंदगी में मुस्बत पहलू उजागर कर पाएंगे। नेक्स्ट सन जब बनाए पुर्ज जौज़ा वालों को जो बेसिकली आज का दिन है, ऐसे लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखे हुए हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उस लिहाज से आप लोगों का आज का दिन काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर सहल होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि किसी भी ख़ास मकसद के तहत अंदरूनी मुल्क सफ़र कर रहे हैं और आज के दिन सफ़र की इब्तदा करनी है, तो आप लोगों ने सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है। कैंसर बुर्ज सरदान कैंसेरियंस वालों को जो बेसिकली आज का दिन है, आप लोगों को ये पूरा दिन जो है आपकी इज्जत, तकीर, रुतबे में इजाफा देखना नसीब हुआ। आपका जितने भी काम हैं, चाहे वो प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से हों, चाहे वो खानगी ज़रूरियात के हों, या फिर आप लोगों को चाहे कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड ही मामला क्यों ना हो, आज के दिन किसी अच्छे फर्द से आपको अच्छा मशवरा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ आज के दिन में आपके बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आती हुई नज़र आती है। आपका इज्जत, वकार और रुतबे में आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतरी और बहाली देखनी नसीब होगी। नेक्स्ट सन लियो बुर्ज असद के जो लोग हैं, बेसिकली आज के दिन के लिहाज से कोई भी नई सरमायाकारी करते हुए या फिर एकदम से कुछ चीज़ें आगे शेयर करने से पहले आप लोगों को उनको एक दफ़ा ख़ुद से चेक लाजमी कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को तो बड़ी सही और एक्यूरेट लग रही हैं, जो कि आप आगे डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है। बाद में आपको शर्मिंदगी रह सकती है, तो चीज़ों को रीचेक करने के बाद आगे तक डिलीवर करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। नेक्स्ट एंड विर्गो बुर्ज शुमला वालों को जो बेसिकली आज का दिन है, आज के दिन के लिहाज से हल्का अहबाब से काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों की मुस्बत रह पाएंगी। आप लोगों के हल्का अहबाब में जितने भी लोग शामिल हैं, आपका उनके साथ राब्ता मज़ीद बहाल और बेहतर होता हुआ नज़र आता है। ना सिर्फ उनके साथ आपका राब्ता मज़ीद बेहतर और बहाल होगा, बल्कि कुछ ऐसे रूठे हुए लोग या कुछ ऐसे मामला जो कि आपको दूसरों से मिल के करने थे, उनमें आज के दिन काफ़ी हद तक आप लोगों का खुशगवार रहेगा। एक्सोटिक्स एंड लिब्रा बुर्ज मेज़ान वालों का जो आज का दिन है, इन्वेस्टमेंट का इरादा है यहाँ पर कोई नए एग्रीमेंट का इरादा है, तो आज के दिन के लिहाज से बगैर सोचे समझे फैसला मत करें, बल्कि आपने पहले से अगर कोई फैसले कर रखे हैं तो उनको भी आज के दिन दोबारा से रिकन्फर्म या रीथिंक ज़रूर करें। एक दफ़ा फिर से हालात को एनालाइज करते हुए फिर आप लोग चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन हो सकते हैं, चाहे आपको कुछ चीज़ों को तब्दील ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट एंड स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब वालों को जो आज का दिन है, अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने का दिन है, क्योंकि हेल्थ के हवाले से जितने मामला हैं थोड़े से सेंसिटिव नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ मामला मोहब्बत भी आप लोगों के थोड़े से हसासियत का शिकार रहेंगे। नेक्स्ट एंड सजिटेरियस बुर्ज कॉस आप लोगों को जो बेसिकली आज का दिन है, वालदन के साथ अपने ताउन को बेहतर करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ उनकी सेहत के बारे में भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ आप लोगों की जो अपनी जिम्मेदारियां जो कि आपके ऊपर चाहे मुश्तरका मामला से हों या आपकी मुलाजमत से हों, जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर आयद हो रही हैं, उनको लाजमी तौर के ऊपर पूरा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एंड कैप्रिकॉर्न बुर्ज का जो बेसिकली आज का दिन है, आज के दिन थोड़ा सा फजूल खर्ची से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। जहनी तौर के ऊपर जो टेंशन, डिप्रेशन चल रही है, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। खानगी माहौल में जो तनाव खिंचाव था, उसमें भी काफ़ी इंशाल्लाह बेहतरी आती हुई नजर आती है। नेक्स्ट एंड एक्वेरियस एक्वेरियंस के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली आज के दिन के लिहाज से किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत सारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी आज के दिन सिमट जाएंगी, सोल्यूशंस मिलते हुए नज़र आते हैं। और आपको फैमिली मेम्बर्स का भी तावन इंशाल्लाह यकीनी तौर के ऊपर आज के दिन मिल पाएगा। लास्ट ज़ोडिक्स एंड पाइसेस बुरजात। पाइसेस वालों को जो बेसिकली आज का दिन है ज़्यादातर तवज्जो माली मामलात की तरफ, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको आज के दिन दरगुजर करना पड़ेगा। स्पेशली खानगी माहौल को खुशगवार रखने के लिए कुछ चीज़ों को दरगुजर कर देना आपके लिए ज़्यादा मुस्बत रहेगा। आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्त ज़िंदगी आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।